हेलो दोस्तों, वेलकम टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती के रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट इज टू एंड। और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। जो दोस्त लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं ऐसे टाइप का रिक्रूटमेंट आप लोग इंतजार करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देके और कमेंट करके इनकरेज करेगा जो इन फ्यूचर में ऐसे टाइप का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट, सैलरी करीब करीब 62,000 के आसपास, फ्री रेसिडेंस, फ्री डॉप, फ्री फूड। ये जॉब लोकेशन रहेगा राजस्थान। ये सैनिक स्कूल झुंझुनू एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन ओनली फॉर द रेगुलर एमली कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पोररी एडॉक पोस्ट एज मेंशन बिलो। स्टाफ ऑफ सैनिक स्कूल झुंझुनू इज नाइदर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। ये देखिएगा, ये क्लियर बताने जा रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट का, एक संगठन सैनिक को चलता है। तो ये देखिएगा, ये इसका सीरियल नंबर, ए पोस्ट, पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी, पे स्केल एज सेवन सीपीसी का, सेवन सीपीसी का पे स्केल दिलाया जा रहा है। आज एज का ये टेबल दिया गया, फर्स्ट टीजीटी जनरल साइंस रेगुलर बेसिस में वन है, सीट है वन, नंबर ऑफ वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फोर ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीएससी बीएड ऑफ रेगुलर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एट ग्रेड। बाकी जो और वगैरह देख लीजिएगा, पे स्केल ऑफर कर रहा है 44,900 बिटवीन ये रहेगा 21 से 35। बाकी जो तीन नंबर में पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टी ई टी और एस टी ई टी कंडक्टेड बाय सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सी बी एस ई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एन सी टी ई फॉर द पर्पज एंड प्रोफिशंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स और ऑनर्स ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, एक्सपीरियंस इन टीचर इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, प्रोफिशंसी इन गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज आर, और चाहिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बात सीरियल नंबर बी में टी जी टी सोशल साइंस रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी वन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फोर ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बी ए बी एड और रेगुलर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एन सी ई आर टी इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट्स। बाकी और वगैरह देख लीजिएगा, पे लेवल ऑफर कर रहा है 44,900, एज चाहिए 21 से 35, 30/7/2022 के डेट में हिसाब से, और दो नंबर में पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टी ई टी और एस टी ई टी कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सी बी एस ई इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम
by the NCT for the purpose proficiency in teaching in English medium desirable qualification. देखिएगा desirable मतलब बाध्यता नहीं है, ये आपका होने से अच्छा है, लेकिन essential must चाहिए. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे डी जी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोग्राफी और ऑनर्स ग्रेजुएशन इन जियोग्राफी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये सब चीज़ होना चाहिए. नेक्स्ट तीन नंबर में टीजीटी इंग्लिश रेगुलर की बेसिस में दो वैकेंसी है. रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन फोर ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीए बीएड और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद इंग्लिश लिटरेचर एज मेन सब्जेक्ट पे स्केल अपर हो रहा है 7,44,900 एज रहेगा 21 से 35 एज ऑन 7/30/2022. अब बाकी और वगैरह आप लोग देख लीजिएगा जिस सब्जेक्ट वाइज. बाकी दो नंबर में देखिएगा डोमन फिगर टू में पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी एसटीईटी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईटी फॉर द पर्पस और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस टीचिंग रेजिडेंशियल स्कूल प्रोफिशिएंस इन गेम्स एंड कोकरिकुलम सर्टिफिकेट एक्टिविटीज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. चार नंबर देखिएगा आर्ट मास्टर. आर्ट मास्टर एक है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है. पोस्ट वैकेंसी है 1 SC के लिए. एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ फाइन आर्ट आर्ट ड्रॉइंग पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विल मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पब्लिक यूनिवर्सिटी. और जो देख लीजिएगा ये वेतन दिया जा रहा है ओनली कॉन्सिडरेड 35,000 पर मंथ और एज रहेगा 21 से 35 एज ऑन 30/7/2022. डिजायरेबल है मिनिमम 0-2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट. अच्छा अटेंडमेंट्स इन स्पोर्ट्स आर्ट्स म्यूजिक एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रेन ऑफ एफेक्शन विल बी प्रेफर्ड. और तीन नंबर में गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कंटिजेंसी हैंडलिंग ये होना चाहिए. बाकी पाँच नंबर म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एक है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी विथ ए डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन. और जो दिया गया ये सब चीज़ रहेगा देख लीजिएगा. और डिजायरेबल रहेगा एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल प्रोफिशिएंसी इन गेम एंड कोकरिकुलर एक्टिविटीज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. वेतन दिया जाएगा 35,000 एज रहेगा 21 से 35 30/7/2022 के मुताबिक. और सील नंबर एट काउंसिलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एक सीट है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन फिजियोलॉजी विथ डिप्लोमा इन काउंसिलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल एज कैरा एजुकेशन काउंसिलर प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. ये दिया जा रहा है पे दिया जा रहा है 35,000 पर मंथ और एज रहेगा 21 से 35. ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इसका रहेगा एक वैकेंसी है. किसी से ग्रेजुएट विथ 5 ईयर्स ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ ए सुपरवाइजर पोस्ट इन ए गवर्नमेंट ऑफ
कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, बाकी और देख लीजिएगा 7 ईयर एक्सपीरियंस एज यूटीसी और इक्विवेलेंट एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्डेंट आइडेंट इंडिपेंडेंटली इंग्लिश. नोट द कंडीशन ऑफ बीइंग ए ग्रेजुएट मे बी वेव ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन हु हैड अटेंड द रैंक ऑफ JCO एंड इक्विवेलेंट इन IAF इंडियन नेवी इन द